गुड आफ्टरनून, कैसे हो जी? बढ़िया, बस मजे में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत ऐसे गाड़ी पर हो रही है। बहुत से भाई लोग जो भी पुणे में आते हैं इस एरिया को जानते होंगे, जो भी बेसिकली पुणे में आता है इधर ही रुकता है, शिवाजी नगर के यहाँ पर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अभी मैं जा रहा खराड़ी में, खराड़ी के लिए ये गाड़ी मुझे बेसिकली देनी है वहाँ पर। हाँ, अभी करंटली मैं हूँ विमान नगर में जी। भाई पहुँच चुके हैं, एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, सर की मीटिंग है 3 बजे, मैं अभी 2:40 पर पहुँचा हूँ। देखते हैं, कॉल आ चुके हैं मुझे एक दो। सर आ गए? आ गया क्या? हाँ, 2 मिनट है। मैंने तो वो नीचे वो शॉप के पास या सिक्योरिटी के पास कीज दे देना। तुमको कहीं छोड़ना है क्या? हाँ, आप कहाँ पर जा रहे हैं आप इसके बाद? मैं बन गार्डन जा रहा हूँ। हाँ चलेगा, मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। हाँ, वहाँ तक छोड़ दीजिएगा मुझे, आ जाओ। ठीक है, रुको रुको एक। हाँ हाँ, ओके ओके जी। भाई अभी अभी सर से बात हुई, वो बोले कि बन गार्डन तक छोड़ देंगे, तो फिर ये मेरे लिए एक बेटर चीज़ है। वहां से मैं जाऊंगा शिवाजी नगर, मतलब साहिल भाई के पास जाना पड़ेगा पीएमटी पकड़ कर, तो पीएमटी का प्रवास भी आपको देखने को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। भाई पहुंच चुके हैं यहाँ पर, सर ने मुझे छोड़ दिया, सर ने मुझे छोड़ा था मोजे कॉलेज की टर्न पर। अभी मुझे वहाँ से तुरंत गाड़ी मिल गई पीएमटी। पीएमटी की परिस्थिति देख रहे हैं आप, एक भी मतलब पूरी खाली है। बड़े दिनों के बाद मैं पीएमटी में बैठा हूँ। तू भरूँ गर्दी ना? हाँ हाँ भर। फिर मैं गर्दी नहीं है इसलिए, नहीं तो नहीं कर हफ्ते का गर्दी पीएमटी ना। बट पहले कशी गर्दी असा तशी आता सब तेवड़ी नहीं है ना। बरोबर, शनिवार वाला ये जो पुल दिख रहा है, और कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, पर ये रास्ते से अंदर जाते आपको शनिवार वाड़ा मिल जाएगा। मे बी इस टाइम पर अभी ये बंद होगा। ये पुल नहीं है यार, वो अगले आने आने मतलब इससे आगे वाला पुल है। सॉरी सॉरी मिस्टेक। पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर मनपा कॉरपोरेशन। चलो अभी यहाँ से मुझे पकड़ना है ई स्क्वायर की बस, मतलब औंद साइड जाने वाली बस पकड़नी है मुझे यहाँ से जाते। ई स्क्वायर ला जाने साड़ी कौन सी गाड़ी पकड़ा है साहब, सांगत होते मागे। ये भाई मैंने कर ली है उबर ऑटो, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मिल नहीं रहा था, मिल भी जाता पर मुझे एक उबर का एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि मुझे उबर से ही कल से ट्रैवलिंग करनी है। इसलिए मतलब ट्रैवलिंग तो मैं पीएमटी से करूंगा, पर एक बार उबर भी यूज़ करके देखता है। आ रहे अपने ऑटो वाले। ये ब्रिज के बारे में बता रहा था मैं कि ये ब्रिज यार बहुत साल पुराना है ब्रिज है। जो हमारे सर मैकेनिक्स पढ़ाते थे वो बोलते थे कि इसके अंदर जो भी भरा है ना ये सिल्वर भरा है, और वो मतलब जैसे ही टाइम ज़्यादा बीतने के कारण वो मतलब ब्लैक दिख रहा अभी हमें, जो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम के टीचर थे वो बता रहे थे। मजे आ रहे इतने दिनों के बाद में पुणे में ऐसे मतलब घूम रहा, घूम वगैरह नहीं रहा, कुछ काम से ही घूम रहा। आ रही अपनी गाड़ी, आ रही उबर से जाते फिर। ये आज ना मुझे वर्कआउट करना है शाम को अच्छे से, मतलब ना 4-5 दिनों का मतलब बड़ा वाला गैप पड़ चुका है, इसलिए मतलब वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। चला 34 रुपये बता रहा था और यहाँ पर आके 68 रुपीज बता रहा था, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। तो करूँगा मैं अभी उबर को। हाँ जी भाई साहब, अपने राकेश भाई यहाँ पर आ रहे हैं, मेरे सीनियर है बेसिकली, उनकी प्री वेडिंग शूट की ऑर्डर मुझे मिलने वाली है, मिला था आपको उनसे।
कुठे आहे? 500 मीटर आहे का? चालेल चालेल या. राकेश भाई आ गए यहाँ पर. राकेश भाई का प्री वेडिंग वगैरह करने का है हमें अभी. क्या बोलने वाला था राकेश भाई को बता रहा था मैं किस तरह से शूट होता है अभी यहाँ पर. 11-12 सेकंड दिख रहे हैं आपको तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है अभी. ये आपके बारे में नहीं 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 एक बात बतानी थी आपको कि राकेश भाई की अभी सदाई बोल रहा है मैरिज बोल रहा है शादी आने वाली है 23-24 दिसंबर को. तो फिर भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन कैमरे के सामने एक बार. थैंक यू साहब वीडियो अलाउ करत झाला आहे आपला प्रोग्राम सगळं भारी डिस्कशन झालं. यस तो आपला स्वप्निस्त आहे ना बॉम्ब मारतो. नाही तसं नाही त्याचं पण बॉम्ब मारणं पण एक कला आहे. बॉम्ब मारणं पण एक कला आहे कारण की समोरच्याकडनं पैसे काढून घ्यायचं पण एक कला आहे. हा सॉफ्ट वेबसाइटच एसईओ बाधायचं आहे की बायचान्स साहिल भाई बायचान्स नाही साहिल भाई के पास अपने को सारी सामग्री जो कि वर्कआउट की होती है मिल चुकी है. भाई यार इतने दिनों से वर्कआउट नहीं किया मुझे बहुत मतलब बहुत बुरा लग रहा. मैं प्रॉपर वर्कआउट कर रहा था जब मैं शिरपुर में था. अभी मैं वर्कआउट करूंगा प्रॉपर वाला फुल पसीना वाला वर्कआउट करूंगा. अभी अभी राकेश भाई भी मुझे टोमना मार के गए तो करेंगे लगातार. टाइम लैप्स देखो आप. एक नंबर वाटतंय भाऊ एक नंबर. इतक्या दिवसानंतर केल्यानंतर वर्कआउट धन्यवाद धन्यवाद. हा व्हिडिओ बघितला होता आभारी मित्रांनो. करून द्या लाईक कमेंट सबस्क्राईब करून द्या. येतो मी बाय 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 लागू.